आज इस वीडियो में हम गैफी और क्रॉप को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। क्रॉप, आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ गैफी, मुझे तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। हाँ, मेरा भी। तुम्हें पता है क्रॉप, मेरे पास एक किताब है जिसमें मीठे पर एक कहानी लिखी हुई है। क्या बात है गैफी, चलो उस कहानी को साथ में पढ़ते हैं। हाँ चलो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ मीठा भी खाएंगे। हाँ ठीक है गैफी, बड़ा मजा आएगा। एक दिन एक गधे को कुछ मीठा खाने का मन हुआ। वो भागते भागते हुए भालू के पास गया। गधे ने भालू से कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। भालू बोला, लो थोड़ा शहद खा लो। गधे ने कहा, नहीं शहद नहीं, कुछ और। फिर गधा और भालू खरगोश के पास गए। गधे ने खरगोश से कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। खरगोश बोला, ये गाजर ले लो। गधे ने कहा, नहीं नहीं गाजर नहीं, कुछ और। फिर गधा, भालू और खरगोश चींटी के पास गए। गधे ने चींटी से कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। क्रॉप, तुम्हें क्या लगता है चींटी ने गधे को क्या खाने के लिए पूछा होगा? मुझे लगता है चीनी के लिए पूछा होगा। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चलो कहानी में पढ़ते हैं और जानते हैं कि चींटी ने गधे से क्या कहा। चींटी बोली, लो थोड़ी चीनी खा लो। गधे ने कहा, नहीं नहीं चीनी नहीं, कुछ और। फिर गधा, भालू, खरगोश और चींटी हाथी के पास गए। गधे ने हाथी से कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। हाथी बोला, लो ये गन्ना खा लो। गधे ने कहा, नहीं नहीं गन्ना नहीं, कुछ और। गैफी, अब तक कहानी में गधे के साथ कौन कौन से जानवर जुड़ चुके हैं? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? मुझे नहीं पता क्रॉप, चलो कहानी में पढ़कर पता लगाते हैं। फिर गधा, भालू, खरगोश, चींटी और हाथी बिल्ली के पास गए। गधे ने बिल्ली से कहा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। बिल्ली बोली, नीचे एक मिठाई की दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं। ये सुनकर गधा मुस्कुराया और सब मिठाई की दुकान पर कुछ मीठा खाने के लिए चल दिए। ये तो बड़ा मजेदार था, चलो अब हम भी चलते हैं मिठाई खाने। अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? जानवरों ने कौन कौन सी मीठी चीजों के नाम बताए? दोस्तों, आपको मीठे में क्या पसंद है? अपना उत्तर अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।